हेलो ब्यूटीफुल ब्राइड्स टू बी, आज हम आपके साथ में एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर करने वाले हैं जिसमें हम आपको कुछ एसेंशियल टिप्स देंगे जिससे आप अपनी वेडिंग डे पे यूज़ कर सकती हैं अपने स्किन केयर के लिए। वेडिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है फीमेल्स की लाइफ के अंदर, और उस दिन वो फील भी करना चाहती हैं बेस्ट एंड दे वॉन्ट टू लुक बेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जो अपना स्किन केयर रूटीन है वो 6 मंथ्स पहले ही अपने वेडिंग डे से डिसाइड कर लेना है, सो दैट आपकी स्किन उस स्किन केयर रूटीन के लिए अडेप्ट कर सके और आपके स्पेशल डे पे अपने बेस्ट रिजल्ट्स शो कर सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन। अगर आपको लगता है कि आपको एक्ने है, रिंकल्स हैं, डलनेस है या पिगमेंटेशन है फेस पे, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर कंसल्ट करिए सो दैट वो आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बना सके, आपका एक अच्छा स्किन केयर डेवलप कर सके। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक हेल्दी बैलेंस डाइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपनी वेडिंग से कम 5 to 6 मंथ पहले ही आप एक अच्छा डाइट फॉलो करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीन प्रोटीन्स इंक्लूड कीजिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज सन प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको वेडिंग से 4 to 5 मंथ पहले ही एक अच्छा SPF यानी मोर देन 30 SPF सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपके अंदर प्री मैच्योर एजिंग के साइंस ना दिखें और आपकी स्किन टोन अनइवन ना दिखे। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखा गया है कि ब्राइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं अपने वेडिंग डे को लेके, उसकी वजह से आपके चेहरे का जो ग्लो है वो डिसअपियर होने लग जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप योगा, मेडिटेशन या रेगुलर एक्सरसाइज से अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम रख सकते हैं। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जब भी आप अपना स्किन केयर प्रोडक्ट चूज़ करें तो बहुत ही वाइजली चूज़ करें। आप देखें कि वो पैराबेन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है। एक अच्छा क्लिंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को बहुत अच्छा लुक देगा। इसके अलावा स्किन के टेक्सचर और टोन को इम्प्रूव करने के लिए आप रेटिनॉल या वाइटामिन सी भी ऐड कर सकते हैं। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि अपनी स्किन के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जस्ट अपने वेडिंग डे से पहले आप कोई नए प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड ना करें, क्योंकि हो सकता है वो प्रोडक्ट्स आपको एलर्जिक रिएक्शन कर दें या फिर आपके ब्रेकआउट्स हो जाएं उस समय पे, जो कि उस समय डील नहीं किए जा पाते। कई बार फीमेल्स जो है वो पार्लर्स में जाते हैं, दे गो फॉर फेशियल्स, क्लीन अप्स, जो कि उन्होंने लाइफ में कभी नहीं लिए होते, वो भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एंड मोमेंट्स पे अगर कोई रिएक्शंस हो गए हैं तो उनको डील करना उस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हाइड्रेशन। आप कम से कम 6 to 8 लीटर्स लिक्विड डेली कंज्यूम करने की कोशिश करें। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिससे कि आपकी स्किन प्लम्पी लगे और बहुत ही हेल्दी लगे। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बिफोर आवर वेडिंग डेट सो दैट हमारी स्किन काफ़ी अच्छी लगे, काफ़ी ग्लो करे। दिस इज़ वेरी कॉमन कंसर्न। तो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स आप ले सकते हैं जिससे आपकी जो सुपरफिशियल स्किन होती है वो पील ऑफ हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स डिसअपियर हो जाते हैं, आपका जो सन टैनिंग है वो डिसअपियर हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो ब्राइट लगती है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है तो कुछ स्किन बूस्टर्स भी होते हैं जो कि आप एटलीस्ट 3 to 4 मंथ पहले ले सकते हैं। उससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन रहेगा तो आपकी स्किन बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगी, एक शाइन रिफ्लेक्ट होगी आपकी स्किन से। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं तो आप माइक्रो नीडलिंग के लिए भी जा सकते हैं एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर यू हैव टू स्टार्ट। उससे आपकी स्किन में टाइटनिंग फील होगी आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में कहीं ना कहीं डिप्रेशंस हैं, कहीं स्किन जो है वहाँ पे फैट लॉस है, तो आप फिलर्स भी करवा सकते हैं एटलीस्ट 6 to 8 मंथ बिफोर,
सो दैट यू गेट गुड प्लम्पियर अपियरेंस. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में डलनेस है, फ्रैकल्स हैं, स्पॉट्स हैं, तो लेज़र टोनिंग करके एक प्रोसीजर होता है, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं. उससे आपका जो कार्बन फेशियल भी होता है, उससे आपका पिगमेंटेशन और डलनेस काफ़ी डिसअपियर हो जाता है. सो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए. आई होप आपके वेडिंग डे पे आपको एक अच्छा स्किन मेंटेन करने में ये टिप्स हेल्प करेंगी. सो गुड लक फॉर योर वेडिंग एंड टेक केयर.